नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आईआर शो में। तो दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन के प्लेटफॉर्म में इस समय पाकिस्तान की तरफ से एक दिलचस्प डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, जहां पे इनके ऑलराउंडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया है, जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुके हैं। और पहले तो पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि इनके दिए गए इस इंटरव्यू को जो है खूब बढ़िया तरीके से पॉपुलराइज़ किया जाए लोगों के बीच में, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी अपने जो इनका जो आईटी डिपार्टमेंट है उसके काफ़ी हेल्प भी ली। लेकिन दोस्तों, इसमें जो उन्होंने जवाब दिए, क्वेश्चंस जो उनसे पूछे गए इमरान खान से, उसके जो उन्होंने जवाब दिए वो इनको फेमस करने के बजाय इनके लिए और बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो गया। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि पाकिस्तान पीएम इमरान खान अगेन प्रेजेस तालिबान, सेज इंडिया इज़ रिच हैंस कंट्रोलिंग वर्ल्ड क्रिकेट। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सी बातों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, जिसके बाद इनका काफ़ी ज़्यादा मजाक भी उड़ा है विश्व में। और इन्होंने अमेरिका से लेके चाइना से लेके लगभग हर मुद्दे पे इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। और इनका जो इंटरव्यू ले रहे थे वो दरअसल मिडिल ईस्ट आई करके एक ऑनलाइन न्यूज़ आउटलेट है, जो कि दोस्तों लंदन बेस्ड है, और इसने कई सवाल पूछे और उसके जवाब भी इन्होंने काफ़ी बेबाकी से दिए, जिसके बाद ही इनकी काफ़ी फजीहत हुई है। तो उन्हीं में से पहला एक जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, यहाँ आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि क्या आपसे बाइडेन ने बात की, या इन्होंने साफ साफ यहाँ पूछा कि व्हाट डिड प्रेसिडेंट बाइडेन से व्हेन यू पुट दीज पॉइंट्स टू हिम एज आई इमेजिन यू वुड हैव डन। तो यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा पूछा कि जितने पॉइंट्स आप उनको गिना रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ के ऊपर, क्या आपने उस पर बाइडेन से बात की? तो इन्होंने कहा नो, आई हैवेंट स्पोकन टू प्रेसिडेंट बाइडेन एज येट। मतलब इन्होंने साफ साफ ये बताया कि बाइडेन ने मुझसे अब तक बात नहीं की। यहाँ एक तरीके से कितनी ज़बरदस्त इन्होंने अपनी बेइज्जती अपने मुंह से खुद ही बोल के करवा दी। और इन्होंने कहा कि देखिए, वो एक सुपर पावर हैं, वो उनकी मर्ज़ी पे है वो हमसे बात करें या ना करें। हाँ, हमारे सिक्योरिटी चीफ वगैरह ने ज़रूर आपस में बात किया था, तो किसी तरह उसको इन्होंने मैनेज करने की कोशिश की, उस बेइज्जती को जो इन्होंने अपने खुद अपने मुँह से ही अपने लिए कर दी थी। इसके बाद जब तालिबान के ऊपर जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि तालिबान को लेके आपके क्या व्यू पॉइंट है, तो उन्होंने तालिबान को प्रेस किया और उन्होंने कहा कि देखिए, आईएसआईएस से लड़ने में तालिबान जो है वो हमारी काफ़ी मदद कर सकता है, और तालिबान ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस समय आईएसआईएस को उखाड़ फेंकने के लिए और आईएसआईएस से लड़ने के लिए। इसलिए पूरा जो विश्व है सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए तालिबान के साथ बात करने के लिए। इसके बाद सीधे इमरान खान क्या हुआ, इंडिया के क्वेश्चन पर उन्होंने इंडिया को एक तरीके से फिर से आरोप लगाते हुए, जो उनका सबसे फेवरेट काम है, उसको आरोप लगाते हुए इंडिया को कहा कि इंडिया जो है वो इस समय वर्ल्ड क्रिकेट को जो है वो कंट्रोल कर रहा है, और जिसकी वजह से इंग्लैंड से लेकर न्यूजीलैंड सब ने अपना दौरा जो है वो रद्द कर दिया पाकिस्तान का, क्योंकि इसके पीछे जो है वो इंडिया है, और इंडिया इस समय सबसे बड़ी मनी पावर है इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के स्तर पर देखा जाए तो। इसलिए मनी ही सब कुछ होता है आज के समय में, और उसी का इस्तेमाल जो है भारत कर रहा है। साथ ही साथ यही नहीं रुके, इन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो इज़राइल से बहुत कुछ सीख रहा है, इंडिया इज़राइल से सीख रहा है कि किस तरीके से जो है आप दूसरे की जो टेरिटरी है उसको ऑक्यूपाई कर लें। यहाँ उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी इज़राइल के दौरे पर गए थे, वहाँ वो सीखे, उसके बाद यहाँ आए और उन्होंने आर्टिकल 370 को हटा दिया, और उसके बाद इन्होंने इल्लीगली तौर से जो है जम्मू एंड कश्मीर को अपने में जो है अपनी टेरिटरी घोषित कर दिया। तो सब ये बकवास करने के बाद इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से इंडिया जो है अब हमारे पर बॉम्बिंग भी करता है, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, क्योंकि अगर हम कुछ करते हैं तो उसके जो सहयोगी देश, यहाँ इनका इशारा यूएस से था, वो वीटो लगा देते हैं। अब बहुत से लोग यही कहते थे कि इंडिया ने कब बॉम्बिंग की, सबूत मांगते हैं, यहाँ तो इमरान खान स्वयं सबूत दे रहे हैं। और यहाँ ये दोस्तों किसी और बॉम्बिंग की बात नहीं कर रहे हैं, इनका मतलब उस बालाकोट एयर स्ट्राइक से है, जिसमें भारत ने एयर स्ट्राइक करके बॉम्बिंग की थी। अब दोस्तों, इसके बाद जब चीन को लेके क्वेश्चन पूछा गया कि उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर जो एट्रोसिटीज़ होती है उसको लेके आपका क्या कहना है, तो यहाँ पे बड़े ही अच्छे तरीके से इन्होंने, इमरान खान ने चाइना को जो है डिफेंड करते हुए कहा कि देखिए जी, सेलेक्टिव प्रोनाउंसमेंट्स जो होती हैं वो हमेशा ख़राब होती हैं, आप जो है उइगुर्स को लेके जो है चाइना के ऊपर जो लोगों का रवैया वो काफ़ी सेलेक्टिव है, वहाँ हमारी जो दोस्ती है चाइना से बहुत अच्छी है, हम लोग का जो एक लेवल है वो एक नेक्स्ट टू लेवल का है, और इतनी अच्छी हम लोग के भी दोस्ती है कि हम लोग अपनी सारी बातें जो हैं वो बैकडोर्स के पीछे करते रहते हैं, और हम लोग ऑल वेदर पार्टनर हैं। लेकिन मैंने इसके लिए चाइना से बात भी की थी उइगुर्स के लिए, और उन्होंने हमें इसके लिए कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है कि वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का सिनेरियो अलग है, उस रीजन का सिनेरियो अलग है, वहाँ की कंडीशन अलग है। तो इसलिए एक सेलेक्टिव आप एक
सोच से देखेंगे, एक सेलेक्टिव नज़रिए से देखेंगे तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से चाइना का जो क्वेश्चन था उसको डॉज करके वो धीरे से बच के उधर निकल गए, क्योंकि उनका सारा जो ध्यान था वो कहीं ना कहीं यूएस और भारत के ऊपर था। तो लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद, भारत दुनिया भर के आरोप लगाने के बावजूद, भले ही ये भारत को कहीं ना कहीं इसराइल के साथ एक ग्रुप में दिखा के कहीं ना कहीं इनका जो मेन टारगेट है वो ये है कि जिस तरीके से OIC और तमाम इस्लामिक जो देश हैं वो इसराइल को एक तरीके से कट्टर दुश्मन मानते हैं, उसी तरीके से भारत की भी छवि को इन्होंने कोशिश की कि इसराइल के साथ मर्ज कर दिया जाए, ताकि जो फीलिंग जो OIC की और मुस्लिम देशों की जो छवि इसराइल को लेके है, वही सेम उनकी जो थिंकिंग जो हो जाए, जो उनका व्यू पॉइंट हो जाए, जो उनका नज़रिया हो जाए, वो भारत के प्रति हो जाए, और भारत के प्रति भी वो उसी तरीके से एकदम शत्रुता के नज़र से देखें जिस तरीके से वो इसराइल के लिए लेके चलते हैं। लेकिन दोस्तों, इनका इस प्रोपेगेंडा को मुझे नहीं लगता इसकी इसको कोई बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। हालांकि इन सब चीज़ों को करने के बाद ये बड़े ही चालाकी से इन्होंने सारी चीज़ों पे आरोप तो लगाने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्हीं को जो है बैकफायर कर गई, क्योंकि पूरे विश्व में इनका जो है समय काफ़ी मजाक उड़ रहा है, और बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट है एक पाकिस्तानी PM जो खुद ही ये सारी बातें स्वीकार कर रहा है। तो दोस्तों, आप लोग का इस पूरे इशू पे क्या विचार है, आप लोग जो अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोस्तों शेयर करिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर किया करिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग जो वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप लोग को मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।